दोस्तों, मैं ड्राइवर फैक्ट्री ड्राइवर जन्मस्थल अभिनव ट्रेनिंग सेंटर से आपका अभिनंदन व स्वागत करता हूं। हमारे यहां बेसिक्स के अंदर जो है आपको जो है बिल्कुल जो है स्टेपिंग सीटिंग और ग्रिपिंग के फार्मूले से सिखाते हैं। मिरर के अंदर कैसे आपको जजमेंट लेना है, गाड़ी को कौन से एंगल पे काटना है, आपको जो है राइट काटना है तो एंटी क्लॉक घुमाना है या लेफ्ट काटना है तो क्लॉक की दिशा में घुमाना है, ये पहले आपको हम पूरी तरह जो है बेसिक्स में आपको जो है यहाँ पे बता देते हैं। अभी हमारे जो है बेसिक सीख रहे हुए अभ्यर्थी हैं जो बिल्कुल नए आए हैं, उनसे आपको जो है परिचय कराता हूँ, जिनको हम पहले एल पार्किंग लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के मिरर के जजमेंट में यहाँ पे सिखाते हैं। तो आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार। अरविंद, थोड़ा जोर से बोलो। अरविंद कुमार। कहाँ से आए हो? नीम का थाना से। अरविंद कुमार, तो आपको कैसे पता चला अभिनव ट्रेनिंग सेंटर में गाड़ी सिखाते हैं? बहुत अच्छा लगा। बहुत, आपको कितने दिन हो गया है? दो दिन में आपने यहाँ क्या क्या सीखा? गाड़ी को आगे करना, बैक करना, पीछे करना, दाएं बाएं में जो सर आपको बताते हैं उसमें आपको नई चीज़ क्या मिली यहाँ सीखने? नई चीज़ जो सर बताते हैं ना, उसको आगे करना है, पीछे करना है, रोकना है, जजमेंट लेना है और धीरे चलानी है। कौन है? आपको कैसे पता चला कि यहाँ से ट्रेनिंग लेके जो है अभ्यर्थी आए हैं, गए हैं यहाँ के इसके अभिनव ट्रेनिंग स्कूल के बारे में, ड्राइविंग स्कूल के बारे में आप कितना जानते हो, थोड़ा बताइए। हमने यूट्यूब पे देखा था। हाँ, बसावता में खुर्द में ड्राइविंग अभिनव मोटर गाड़ी सर्विस मतलब ड्राइविंग स्कूल है, इसलिए आए। तो आपको कोई, आपका कोई दोस्त या यार यहाँ से जो सीख के लगा हो, जिसने आपको कुछ बताया, वैसा कोई है? है। कौन है? विनोद जाखड़ नापावाली से। विनोद जाखड़ नापावाली से जो यहाँ से सीख के और वो लगे एसएसबी में लगे। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ देश का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग के बच्चे जो है माँ भारती की सेवा नहीं कर रहे हैं। आप भी यदि एसएसबी ड्राइवर का और उसका जो है तैयारी करेंगे ड्राइवरी की, तो आप अवश्य अभिनव ट्रेनिंग सेंटर में आइए। तो आप यहाँ के माहौल को और करीब जो आप रह रहे हो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे, थोड़ा बताइए। माहौल एकदम अच्छा माहौल है, बढ़िया माहौल है। सबसे बढ़िया है अनुशासन। यहाँ अनुशासन, देखिए अनुशासन बहुत बढ़िया अनुशासन है। कोई भी परिवार हो, सबसे बड़ी चीज़ एक अनुशासन होती है। यहाँ हम खुद डिफेंस पर्सन हैं और हम भी जो है बच्चों को अनुशासन ही सिखाते हैं, क्योंकि माँ बाप की बहुत बड़ी एक जवाबदारी होती है और हम पे आशाएँ होती हैं कि हम वहाँ भेज रहे हैं। और ऐसे ऐसे बच्चे भी हमारे पास आए हैं जिनकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक कोई सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं था और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे परिवार में से कोई नौकरी लग पाएगा। ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों को हमने यहाँ ट्रेनिंग देकर जो है नौकरी पाई है उन्होंने अपने दम पे और अपनी मेहनत से और हमारे मार्गदर्शन से। तो दोस्तों, अनुशासन एक बुनियाद है किसी भी चीज़ की, तो अनुशासन ही जरूरी है। जिसका अनुशासन नहीं होगा, वो चाहे घर हो, वो चाहे परिवार हो, वो चाहे समाज हो, चाहे वो देश हो, वो नहीं चल सकता। वो तभी चल पाएगा जब आपका अनुशासन अच्छा होगा और अनुशासन की पालना आपको करवाना जरूरी है। तो आपका क्या नाम है? मेरा संदीप कुमार है। आप कहाँ से आए संदीप? मैं नवलगढ़ तहसील के। नवलगढ़ से। तो आपको कितने दिन हो गए? मेरे को व्हीकल आज पूछा है। तो आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला? मेरे को आज सर में सबसे पहले गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट करना, सबसे पहले गाड़ी में जो मेन जो चीज़ें होती हैं, कहाँ गियर होता है, कहाँ क्लच होता है, कहाँ ब्रेक होता है, कहाँ एक्सीलेटर होता है, स्टीयरिंग को कितना मोड़ना, कितना घुमाना, कितना किस प्रकार का इसकी जो होती है, जैसे कई पावर स्टीयरिंग होते हैं, कई फ्री स्टीयरिंग होते हैं, तो उस टाइप से उन्होंने पहले बेसिक नॉलेज दी। उसके बाद धीरे धीरे मेरे से 2-3 राउंड कटवाए, धीरे धीरे पास बैठ के जैसे बताया कि आपको जैसे यहाँ इतना काटना है तो क्लॉकवाइज कितना घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमाना है, एडजस्टमेंट करना अपने मोड में लाके
देखे हाँ। कि कितना दोनों जो पीछे की बत्तियां वो साफ साफ दिखने लगा, तो गाड़ी उसी दोनों मिरर में कैसे देखना है, सेंटर सेंटर में पीछे जाते समय बोनट पे देखना है, जजमेंटिंग दोनों मिरर को देखना है, मिडल मिरर में देखना, ये आपको बेसिक्स में बताया, बेसिक में ले लो सर ने बताया। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है सीख जाएंगे, तो करेंगे। तो आप यहाँ की ट्रेनिंग के बारे में जो आपको बेसिक बताया उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? ट्रेनिंग देखो, ये मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो अभिनव ड्राइविंग स्कूल है ये भारत की एकमात्र ऐसी, जो भी मैंने यहाँ आके पता चली है मेरे को कि भारत की एकमात्र ऐसी परिवहन संस्था से रजिस्टर्ड है परिवहन मंत्रालय द्वारा, कि जहाँ हेवी ड्राइविंग सिखाई जाती है। आपकी जो लाइट गाड़ी है तो आपको कहीं भी मिल जाएंगी, लेकिन हेवी सिखाने वाली एकमात्र ये रजिस्टर्ड है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, जैसे छात्र ने भी बताया है कि आजकल स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जैसे अभी बत्ती आएंगी तो बहुत सारी गैर कानूनी तरीके से किराए की गाड़ियां लेकर बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन के नाम पर खोल लेते हैं और उनको न कोई जीरो न कोई नॉलेज है और न उनके पास सरकार की कोई मान्यता है। हमारी अभिनव ट्रेनिंग सेंटर बिल्कुल, आप भी यदि ऐसी संस्थाओं में बिल्कुल नहीं जाना है, जाते हैं तो भी उनका रजिस्ट्रेशन चेक कीजिए और उनसे अपने सीखे हुई जो आपने सिखलाई लिया है उसका प्रमाण पत्र मांगिए। हम आपको प्रमाण पत्र भी प्रोवाइड कराते हैं और हमारी रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जो भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के अधीन और राजस्थान सरकार के अधीन चलने वाली एकमात्र संस्था है, जिसमें हमारे पास 17 प्रकार के व्हीकल हैं। हर प्रकार के व्हीकल का डबल ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि एक ही प्रकार के व्हीकल से बच्चा तैयारी करता है तो वो उसी पर ढल जाता है। हो सकता है कि जैसे हम एक किसान के बच्चे हैं और हम मध्यम परिवार के आदमी हैं, हम यदि लावणी करते हैं जो खुदाल होती है, उस खुदाल से एक ही बार लावणी करते रहते हैं तो दूसरी खुदाल को पकड़ के भी करेंगे तो हमारे हाथ में अटपटी लगती है, और हम डेली सुबह अलग खुदाल से तैयारी करेंगे, शाम को अलग से, तो और जब हमारा करेंगे तो हम किसी भी प्रकार की खुदाल जब हाथ में पकड़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसी प्रकार से हमारे पास हर ऑप्शन है, मॉर्निंग में अलग गाड़ी, इवनिंग में अलग, फिर हर गाड़ी के डबल ऑप्शन है, जिससे कि बच्चा जो ग्राउंड में टेस्ट देने के लिए जाता है उस टेस्ट में उसको घबराहट न हो कि मैंने वो गाड़ी जो पहले चलाई थी उसका जो है स्लोरिंग कम थी, उसके ब्रेक कम लगते थे, उसका हिस्सा थोड़ा बड़ा था, उसका स्टेयरिंग की कटाई कम थी, तो और नया व्हीकल होता है उसको आपने पहले कभी नहीं चलाया, पहले आपके ऊपर टेस्ट देने टेस्ट की घबराहट भी होती है, तो वो चीज़ आपकी दूर करने के लिए हमारे पास 17 प्रकार के व्हीकल हैं। हर व्हीकल से अलग अलग डे वाइज अलग अलग रोटेशन वाइज तैयारी कराते हैं, तो हमारी पूर्णतः रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। आप कुछ समय के लिए मौसमी जो संस्था के नाम पे खुलने वाली फर्जी संस्थाओं में न जाएं, यहाँ पे आएं और आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और आपकी नौकरी जिस काम के लिए आप जा रहे हो उस ट्रेड की हम पास की गारंटी लेते हैं। तो आप और बताइए क्या बताना चाहते हो? तो मैं मेरे साथी बंधु से यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार इस संस्था में आके देखें ज़रूर, क्योंकि आपको मैं श्योर ये गारंटी देता हूँ कि एक बार आप अगर इस संस्था में आ गए तो आपका मन नहीं करेगा इस संस्था को छोड़ने के लिए, क्योंकि इस संस्था में वो अपनापन है जो ये व्यक्ति को अपना लेता है, एक तरह से ये अपनी मिट्टी में बसा लेता है व्यक्ति को। तो आप कम से कम जरूर एक बार इस संस्था में आके सेवा का मौका जरूर देंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया दोस्तों। अभिनव ट्रेनिंग सेंटर, आप अपने ट्रेनिंग में लग जाओ। मैं अभिनव ट्रेनिंग सेंटर यूट्यूब परिवार से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मोबाइल नंबर हैं 7073778744। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुने, 7073778744। अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बैसावता, जिला झुंझुनू, राजस्थान के अंदर आप अवश्य आएँ। यहाँ आप दिल्ली से धौलाकुआ से डायरेक्ट सिंघाणा के लिए गाड़ी पकड़ें, जयपुर सिंधी कैंप से सिंघाणा के लिए गाड़ी पकड़ें, सिंघाणा से मात्र 4 किलोमीटर बैसावता खुर्द में अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।